खिलाफत राशिदा नाज़रीन आका इनामदार फ़ख्रे मौजूदात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के विसाल के बाद हज़रत अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम और हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम का अहद खिलाफत खिलाफत राशिदा कहलाता है। इस अहद की मजमू मुद्दत 30 साल थी, जिसमें अबू बकर सद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो अव्वलीन और अली करमल्लाहु वजहुल करीम आखिरी खलीफा थे। इमाम हसन मुज्तबा अलैहि सलाम की खिलाफत के 6 माह खिलाफत अली करमल्लाहु वजहुल करीम में शुमार होते हैं, जैसा कि जमहूर असलाफ की राय है। इस अहद की नुमाया तरीन खसूसियत ये थी कि ये कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर कायम निज़ाम हुकूमत था। नाज़रीन हज़रत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो का दौरे खिलाफत खिलाफत राशिदा के उरूज का जमाना था और 22 लाख मुरबा मील के इलाके पर इस्लामी परचम लहराया जाता था, जो उस दौर की सबसे बड़ी इस्लामी सल्तनत थी।